पिक्चर चालू करो बे। जिन्हें बैन किया गया इन सब की टीआरपी अगर मैं देखूं, सिर्फ टीआरपी की बात, ये तो कहते हैं नंबर वन है सब, तो लोग तो देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो जुम करो जुम करो। संदीप लोग तो पोर्नोग्राफी भी देखते हैं। ये मजा आएगा ना भिड़ो। क्या ये पैरामीटर हो सकता है क्या? बात तो सही है। देखिए तीन तरीके के जर्नलिज्म एक तरीके से है। एक तो वो है गुड जर्नलिज्म एंड बैड जर्नलिज्म, वो जस्टिफाइड है, हर चीज में अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग भी होते हैं। नॉन पार्टीजन जर्नलिज्म एंड पार्टीजन जर्नलिज्म, विचारधारात्मक भी होती है, लोगों के अपने बायसेस भी होते हैं, वो भी ठीक है। आर, आर, आर। लेकिन आज के जमाने में प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म और फेयर जर्नलिज्म, जब जर्नलिज्म प्रोपेगेंडा हो जाए तो क्या हम उसको जर्नलिज्म कहेंगे? नहीं, थोड़ी मर्यादा रखिए। चला जा भोसड़ी। और ये बात कहने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हेट स्पीच कर रहे हैं उनको हम जर्नलिस्ट क्यों मान रहे हैं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और क्यों उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं? क्यों प्रेस फ्रीडम के बारे में बातचीत कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हो, समाज को विभाजित करने की बात कर रहे हो, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसको डिमोनाइज करने की बात कर रहे हो, वो पत्रकार कैसे हो सकता है? ये तो पत्रकारी की बुनियादी जरूरतों में से एक है। हम लोगों को सिखाया गया था कि जब दंगे होंगे तो आप किस तरीके की रिपोर्टिंग करेंगे, आप धर्म विशेष का नाम नहीं लेंगे, धर्म स्थल का नाम नहीं लेंगे। किस लिए कहा जाता था? जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब आप पत्रकार नहीं रहते, और मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। मजा आया। जो 14 लोगों की लिस्ट जारी की गई, मेरा मानना उसमें एक दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, बहुत लोग छूट गए, उनके नाम इसमें होने चाहिए थे। लेकिन हम अगर इनको पत्रकार कहेंगे और इसके आधार पर हम जर्नलिज्म डिफाइन करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत पैदा होगी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप अगर इनको पत्रकार मानेंगे तो मेरा उससे फंडामेंटल डिफरेंस है, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूं। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। वाह क्या सीन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे आशुतोष भी कह रहे थे कि इनको पत्रकार क्यों कहना चाहिए, भाई पत्रकार अगर आइडियोलॉजिकली कमिटेड है तो पत्रकार कहे कि मैं फलानी पार्टी के साथ हूँ। अब ये कि अपनी छाती पे लेकर के चलते हैं कि मैं फलाना समर्थक हूँ, मैं भक्त हूँ, पता लग जाता है। तो पत्रकारिता को खुद पत्रकारिता से खतरा है, बाकी किसी से खतरा नहीं है। देश संकट में है,